Good morning students. Today we shall do exercise 9.4 and the question number 1 is a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. So data is given. Preferred activity are playing, reading story books, watching TV, listening to music, painting. So number of student like to play are 45, which like to read books are 30, watching TV 20, listening to music 10, painting 15. So we have to draw a bar graph to illustrate the above data. Taking a scale of 1 unit length equal to 5 student. मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्केल के बारे में बताया था. तो स्केल मतलब जो ग्राफ पेपर में एक बॉक्स है उसको हम लोग एक बॉक्स मतलब एक स्क्वायर वाला जो बॉक्स है उसको हम लोग 1 unit बोलते हैं. ठीक है, तो 1 unit हमने लिया है 5 student. इसके बार ग्राफ बनाने के बाद हम लोग को ये भी बताना है विच एक्टिविटी इज़ प्रिफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बार ग्राफ. फॉर ड्रॉइंग द बार ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 2 axes. So this is the horizontal axis, this is the vertical axis, this one is the horizontal axis and this is the vertical axis. In the vertical axis we have written the number of student and in horizontal axis हम लोगों ने activities को show किया है. So आप कैसे show करेंगे? यहाँ पे scale क्या है? 1 unit length equal to 5 student. तो 1 बॉक्स के बाद आप 5 का और गैप तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो सेकेंड यूनिट पर 10, थर्ड यूनिट पर 15, ऐसे 5 स्टूडेंट के लिए एक यूनिट छोड़ते छोड़ते आप 5 का टेबल लिखेंगे. इसका मतलब हो जाएगा कि एक जो बॉक्स है वो 5 स्टूडेंट को शो कर रहा है. ओके, देन ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस आप एक यूनिट छोड़ेंगे, दूसरी यूनिट पर प्लेइंग का बार बनाएंगे मतलब रेक्टेंगल बनाएंगे. तो इसमें कैसे बनाएंगे आप देखिए, यहाँ पर कितना है? 45 प्लेइंग है, 45. तो आपको रेक्टेंगल की लेंथ कहाँ तक ले जानी है? 45 के तक. तो यहाँ पे हो गया ये हमारा हो गया प्लेइंग का बार जो कि शो कर रहा है उन बच्चों को जो कि प्लेइंग एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं. इसी तरीके से रीडिंग स्टोरी बुक कितने बच्चे प्रेफर करते हैं? 30 बच्चे. तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की हाइट कितनी ले जाएंगे? 30 अप टू 30 तक. ओके, एंड वॉचिंग टीवी 20. तो वॉचिंग टीवी में 20 तक, लिसनिंग टू म्यूजिक में 10 तक हाइट ले जाएंगे और पेंटिंग में 15 यूनिट हाइट ले जाएंगे. सो दिस इज़ अवर बार ग्राफ एंड देन क्वेश्चन था हमारा विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. प्लेइंग के सिवा और कौन सी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट लाइक करते हैं? तो सबसे ज़्यादा तो प्लेइंग करते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ा रेक्टेंगल किसका है? प्लेइंग का है. उसके बाद सेकेंड रेक्टेंगल किसका बड़ा है? रीडिंग स्टोरी बुक्स का. सो रीडिंग स्टोरी बुक्स इज़ द सेकेंड एक्टिविटी विच इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. ओके, सो आंसर इज रीडिंग स्टोरी बुक्स. In this way, you will do question number 2, 3 and 4. Okay? Thank you.